नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और अभी मैं पहुंचा हूं। कार्तिक प्रमाणिक समाज सेवक और पेशे में शिक्षक हैं। हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि लॉकडाउन का पालन कैसे हो रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन आप किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किए हैं, अपने लिए अपने आप को घर में बंद रखें। ये जो कोरोना वायरस है, ये बहुत ही विकराल रूप ले रहा है और पूरे विश्व में बहुत विकसित देश जो है घुटने टेक दे रहे हैं। इटली के जो वहाँ के जो प्रमुख है, वे इतना बोले हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पूरे भगवान के हाथ में है। और हम लोग को पता है कि इटली जो है पूरे वर्ल्ड में चिकित्सा पद्धति में सेकंड स्थान रखता है पूरे विश्व में। तो हम लोग को अपना देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को घर में बंद रखना ही पड़ेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है और इस बीमारी का अभी तक तो कोई इलाज, सटीक इलाज अभी तक नहीं निकला है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अपने आप को परिवार के बीच रखे और घर में बंद रहे, यही हम लोग का सबसे बड़ा दवा है। लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि देशभक्त हम उसी को कहेंगे जो जहाँ पर हैं वो अपना काम को ईमानदारी पूर्वक करें। और अभी हम लोगों का काम है ईमानदारी पूर्वक जो देश में जो स्थिति है उसको देखते हुए एकदम घर से नहीं निकलना है, अपने आप को बंद कर लेना है। लॉकडाउन का मतलब है अपने आप को बंद कर लेना। जहाँ तक हमारा ज़रूरी चीज़ है, जैसे खाने पीने की चीज़, हम बहुत सारा चीज़ खाते थे तो दाल रोटी साग यही खा के हम कम से कम 21 दिन व्यतीत करें और अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। आप घर में हैं, हाँ, आप अपने स्तर से मोबाइल और अखबार के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल रही है, हाँ, कोरोना वायरस जो है कितनी घातक है। कोरोना वायरस अभी तक जहाँ धरती जहाँ से उत्पत्ति हुआ, अभी तक हम बाप दादा से भी पूछे कि ऐसा स्थिति पूरे विश्व में कभी नहीं था। यहाँ तक कि समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो हमारा ट्रेन कभी बंद नहीं हुआ, रेल सेवाएँ कभी बंद नहीं हुआ, हवाई जहाज़ सेवाएँ कभी बंद नहीं हुआ। तो कितना विकराल स्थिति है इसी में समझ सकते हैं कि एक ऑटो तक बंद है। और हमारे जो यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं उनका यही कहना है कि अपने आप को हम बंद रख के ही इस घातक बीमारी से निजात पा सकते हैं और दूसरे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सर, एक हमारा प्रश्न है कि जैसे मजदूर या अन्य जैसे गरीब गुरबा के लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि एक दिन अगर उन लोग काम नहीं करते हैं तो उन लोग की रोजी रोटी जो होता है उन लोग का चलता नहीं है, लेकिन आज उन लोग भी लॉकडाउन है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग को रिपोर्टिंग के दौरान में बहुत सारे चीज़ों देखने को मिलता है, उन लोगों के पास में हम लोग मास्क नहीं देख पाते हैं। ऐसे में आप भी एक समाज सेवक हैं और हम जानते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं समाज के हित में सोचते होंगे, तो उन गरीब लोगों के पास अगर मास्क भी खरीदने जाते हैं तो सुनने को भी मिलता है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रहा है मास्क का, दाम भी है मास्क का 40-50 रुपया, 20-30 जो भी है। लेकिन उन मजदूर लोगों को अगर मान लीजिए आपके स्तर से आप एक समाज सेवक हैं, आप कैसे सोचेंगे और उन लोगों को मास्क कैसे उपलब्ध होगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास है कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग जैसे उस माध्यम से हम लोग जाते हैं सरकार के माध्यम से, तो सरकार को और बहुत सारा काम है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे आप लोग समाज के बीच में रहते हैं, हम लोग तो घर से भी नहीं निकल सकते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ हो गए वीडियो, हो गए SDM, हो गए चाहे पत्रकार, आप लोग जैसे हो गए, आप लोग के माध्यम से हम लोग कुछ उन लोग को सहायता कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भारत में, करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब मान लीजिए 21 दिन 25 दिन बंद हो गया, तो उनको जैसे कोई जैसे हमारे पास कुछ है, जैसे हम सर्विस करते हैं तो हमारे पास हो सकता है कि कुछ है, तो उसी से कुछ निकाल के यदि अगला को हम लोग ऐसे करके समाज को संतुलन बनाने का प्रयास करें तो बहुत सारा हद तक उससे निजात पा सकते हैं। और माध्यम हम बहुत सारे लोगों को बना सकते हैं, आप लोगों को बना सकते हैं, वीडियो को बना सकते हैं, उनके माध्यम से हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो हम कैसे सेवा करें कि उनको मिल जाए मास्क,
जो गरीब गुरबा है जिनका मार्क्स की कमी हो जाता है, हम लोग रास्ते में बहुत सारे गुजरते हैं, कभी कभार रिपोर्टिंग के दौरान भी देखने को मिलता है, तो उन लोगों को कैसे मार्क्स मिल पाएगा? आप लोग जहाँ तक घूमते हैं, मेरे तरफ से हम कुछ मार्क्स आपके माध्यम से कुछ उन लोग को देना चाहते हैं। आप जहाँ जहाँ जाइएगा, जैसे कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई जैसे किराना दुकान है, कहीं पर कोई बहुत इमरजेंसी में आ रहे हैं, तो मेरे तरफ से आप उन लोग को अपना वितरण कर दीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे समाज सेवक सह शिक्षक कार्तिक प्रमाणिक जी के साथ। वर्तमान रमेश सिंह मुंडा प्लस टू हाई स्कूल बुंडू में कार्यरत हैं। मास्टर साहब कार्तिक प्रमाणिक उन गरीब गुरबों का सहयोग करना चाहते हैं जिनके पास अभी तक मार्क्स नहीं है, लेकिन कार्तिक प्रमाणिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इस वजह से सहयोग करने के लिए आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मास्टर साहब कार्तिक प्रमाणिक गरीब गुरबों को मार्क्स पहुँचाने के लिए मीडिया का साथ लिए हैं। कार्तिक प्रमाणिक कुछ मार्क्स हमें उपलब्ध कराए हैं, रिपोर्टिंग के दौरान गरीब गुरबों को न्यूज़ स्टॉप इंडिया मार्क्स देगी।